नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत और आज मैं आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। बार बार फंगल इन्फेक्शन होने के कारण क्या होते हैं और आप क्या कर सकते हो ताकि ये फंगल इन्फेक्शन बार बार ना हो। अभी गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत लोगों को परेशान भी करता है। तो इस वीडियो के द्वारा आप जान पाओगे कि आप क्या कर सकते हो ताकि ये फंगल इन्फेक्शन आपको बार बार ना हो। तो फंगल इन्फेक्शन बार बार होने का पहला कारण होता है कि आपने पूरी तरह से दवाई नहीं करी। अगर आप दवाई बीच में ही छोड़ देते हो तो ये इन्फेक्शन वापस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम फंगल इन्फेक्शन में खाने की गोली, जो ओरल एंटीफंगल्स है, और लगाने की भी एंटीफंगल क्रीम्स देते हैं। खाने की गोली 2 से 4 हफ्ते तक दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा जगह पर आपकी फंगल इन्फेक्शन फैल गई है तो हम ये दवाई 2 महीने तक भी दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल फंगल इन्फेक्शन काफ़ी रेजिस्टेंट हो गया है, जल्दी से दवाइयों में रिस्पॉन्स देता ही नहीं, इसीलिए इसका पूरा कोर्स लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो लगाने की क्रीम्स है वो हम 2 से 3 महीने तक भी लगाने के लिए दे सकते हैं। तो जब भी आपको डॉक्टर दवाइयाँ दे तो आप अच्छे से समझना कि इसको कितने समय के लिए खानी है और दवाइयाँ कितने लंबे समय के लिए लगानी है, ये बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपने बीच में ही छोड़ दी तो फिर ये वापस आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अभी आप दवाइयाँ शुरू करोगे आपको 7-10 दिन में लगेगा कि बिल्कुल ये चला गया और आप दवाई बस छोड़ दें। और क्योंकि ये दवाई भी थोड़ी महंगी होती है तो लोगों को लगता है कि अगर 7-10 दिन खा के ही अच्छा हो रहा है तो बस अब बंद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप दवाई छोड़ो ये वापस आ जाता है। तो इसीलिए दवाई का कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। कभी भी एंटीफंगल दवाई डॉक्टर से पूछे बिना और प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना ले। ऐसे कुछ एंटीफंगल्स होते हैं जो बाकी दवाइयों के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या दवाई लिया है, उसकी प्रूफ हमेशा रहनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं ये पूछ के कि मैं उनको कुछ एंटीफंगल दवाइयाँ बताऊं और उनके फंगस का इलाज करूं। देखिए, आपको देखे बिना मुझे एंटीफंगल्स बताना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, इलीगल भी है। अगर आपको कुछ हो गया, वो दवाई से कुछ रिएक्शन हो गई, तो मैं लीगली रिस्पॉन्सिबल होऊंगी। तो इसीलिए आपको देखे बिना ऐसे ऑनलाइन में आपको कोई भी दवाई सजेस्ट नहीं कर सकती, जो दवाई खाने के बाद आपको क्लोजली मॉनिटरिंग करना पड़े। ठीक है, तो प्लीज़ हमेशा अपने एरिया में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और एक डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप दवाई लें। बार बार इन्फेक्शन होने का दूसरा कारण होता है कि स्टीरॉयड क्रीम्स लगाने। तो अगर आप ऐसी क्रीम्स यूज़ कर रहे हो जिसमें स्टीरॉयड है तो उसकी वजह से भी आपको ये बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है। ये स्टीरॉयड क्रीम यूजुअली एंटीफंगल क्रीम के कॉम्बिनेशन में रहता है। अगर आपके क्रीम में 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट है तो आप उसको इस्तेमाल ना करें। अगर 2 इंग्रेडिएंट है तो भी अगर 1 इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड ना हो के कुछ और है तो भी उसको इस्तेमाल ना करें। ये सारे जो स्टीरॉयड क्रीम्स हैं वो हमेशा एक एंटीफंगल के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। तो प्लीज़ ऐसे क्रीम्स इस्तेमाल ना करें। स्टीरॉयड क्रीम्स लगाने से आपकी स्किन पतली हो जाती है और उसमें स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टीरॉयड वाले क्रीम्स आपके जांघों की एरिया में या स्तन के नीचे के एरिया में लगाओगे तो बड़े बड़े स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं जो कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसे स्टीरॉयड क्रीम्स अपने स्किन में ना लगाएं। स्टीरॉयड क्रीम्स चेहरे में लगाने से चेहरे के बाल भी बढ़ जाते हैं और आपको लगेगा कि चेहरे में सडनली आपके बहुत सारे बाल हो गए हैं। तो प्लीज़ ऐसे स्टीरॉयड वाली क्रीम्स अपने स्किन पे ना लगाएं। जब भी आप ऐसे स्टीरॉयड वाली क्रीम अपने स्किन में लगाते हो तो आपको लगेगा कि 1-2 दिन में ये बिल्कुल अच्छा हो गया है आपका स्किन, क्योंकि जो भी लालपन है, जो भी रिएक्शन है आपकी स्किन का, वो दब जाता है। तो स्टीरॉयड क्रीम क्या करता है, हमारे बॉडी को जो फंगस से लड़ने की शक्ति कम कर देता है। इसीलिए आपको लगता है कि बिल्कुल इन्फेक्शन चला गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बस हमारे स्किन के रिएक्शन को दबाया है इसने और वो फंगस तो वैसे ही बढ़ रहा है। तो जैसे ही आप स्टीरॉयड क्रीम छोड़ोगे वापस फिर ये फंगल इन्फेक्शन बहुत उभर के ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसे स्टीरॉयड क्रीम्स बिल्कुल अपने स्किन में ना लगाएं। तीसरा कारण होता है इम्प्रॉपर हाइजीन। फंगल इन्फेक्शन है तो साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहाने के बाद अपने आप को अच्छे से एक पतला सा कॉटन के टॉवल से पोंछे, ठीक है, और ये टॉवल तुरंत धोने में डालें। ये टॉवल हर रोज़ धुलेगा और हर रोज़ इस टॉवल में इस्त्री लगेगी, और आप जो भी अंडरगारमेंट्स पहनते हो वो भी हर रोज़ धुलेगा और हर रोज़ उसमें इस्त्री लगेगी। ये नहीं करोगे तो आप जब तक दवाई खाओगे तब तक आप सही रहोगे, और जैसे ही दवाई छोड़ोगे आपके फंगल इन्फेक्शन फिर से वापस आ जाएगी। अगर आप जिम जाते हो और वर्कआउट करते हो तो तुरंत आप नहा लें, बिल्कुल पसीना को सूखने के मौका ही ना दे, आप तुरंत नहा लें और अच्छे से अपने आप को पोंछ लें। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय के लिए पसीना को अपने बॉडी में जमने के लिए दोगे तो वहाँ पर फिर फंगल इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे कि आप हमेशा कॉटन के ही कपड़े पहने, ऐसे जीन्स डेनिम्स ना पहने,
क्योंकि इससे ये फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडिया में ऐसा मौसम है जहाँ पे आप बिल्कुल ये डेनिम्स और जीन्स नहीं पहन सकते, ये बहुत थिक मटेरियल है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना भी आएगा और वो लंबे समय के लिए ऐसे जांघों के एरिया में पसीना को जमने भी देगा। तो इसीलिए आप बेहतर होगा कि आप कॉटन के कपड़े ही पहने, और जो भी आप कपड़े पहने, जो भी आपके बॉडी में टच में आ रहा है, वो सब कुछ आप इस्त्री करें अच्छे से। सिर्फ धूप में सुखाने से फंगस नहीं मरता, तो इसीलिए इसको इस्त्री करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपके परिवार में बाकी लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन है तो आपको भी बार बार होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो अपने परिवार में ज़रूर पूछना कि किसी और को है तो नहीं। स्पेशली अगर आपके घर में जवान लड़के हैं तो वो बहुत शर्माते हैं और वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते कि उनको फंगल इन्फेक्शन है, तो एक केमिस्ट के पास जाके बस एक क्रीम खरीद के वही लगा लेते हैं। तो जब तक वो नहीं सही हो गए तब तक आप भी नहीं सही हो गए, क्योंकि सबके कपड़े साथ धुलते हैं। एक इंसान का फंगल इन्फेक्शन दूसरे इंसान में बहुत आसानी से फैल जाता है, इसीलिए घर पे सबका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर घर पे सब सदस्य से पूछिए कि किसी को ऐसे फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर किसी को है तो उनको भी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, फंगल इन्फेक्शन सब में एक टाइप का प्रेजेंटेशन नहीं रहता, किसी किसी को बहुत छोटा सा ही होता है, मतलब एक ही निशान होता है, और किसी किसी को हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जिसको बहुत कम इन्फेक्शन होता है वो भले ही उसको ज़्यादा परेशानी ना हो और वो एक ट्यूब लगा के अपना गुजारा कर रहा हो, लेकिन जब तक वो इंसान सही नहीं होता तब तक आप भी नहीं सही होगे, क्योंकि आपको हमेशा ही बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपके सारे कपड़े अलग धुलेंगे और आपके परिवार में सारे सदस्यों का ट्रीटमेंट करेंगे जिनको भी ये फंगल इन्फेक्शन के लक्षण है। अगर आपके पैर के अंगूठे के नाखून में फंगल इन्फेक्शन है तो आपको बाकी जगह पे फंगल इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पैर के नाखून बहुत मोटा हो गया है, पीला हो गया है, तो ये आप ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बताएं, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको ये बार बार हो सकता है। तो अगर आपके टोनेल में फंगल इन्फेक्शन है तो आपको अंडरगारमेंट्स पहनते समय बहुत ही सावधानी परखनी पड़ेगी। जब आप अपने अंडरवेयर पहनोगे तो अगर ये टोनेल को छूते छूते ऊपर आता है तो फिर आपके ये ग्रोइन एरिया में या जांघों की एरिया में बार बार ऐसे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये टोनेल का इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी नाखून में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको खाने की दवाई 3 से 6 महीने के लिए खानी पड़ेगी। जी हाँ, बहुत लंबा कोर्स लेना पड़ता है, क्योंकि पैर के नाखून बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो इसको 3 से 6 महीने लगते हैं सही होने के लिए। हम खाने की दवाई के साथ साथ एक नेल लैकर भी देते हैं जो एक पॉलिश की तरह होता है, जो आपको हर रोज़ नाखून में लगानी होती है। तो ये करने के बाद ही ये नेल के इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो आपके नेल के इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके फंगल इन्फेक्शन बार बार ना हो। अगर आपको डायबिटीज़ है या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है या आपका ब्लड शुगर थोड़ा हाई साइड में रहता है तो भी आपका ये फंगल इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ज़रूर देखिए कि आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में है। अगर आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आप अपने इंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। अगर आपकी कुछ दवाइयाँ बदलनी है तो वो बदले, ताकि आपकी ये शुगर अच्छे से कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको बार बार ये फंगल इन्फेक्शन होता ही रहेगा। अगर आपको डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन हाई ब्लड शुगर है तो आप ध्यान रहे कि ऐसे चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो और जिसमें चीनी ज़्यादा हो, वो आप चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करें। डायबिटीज़ में बॉडी का कीटाणु से लड़ने की शक्ति भी कम हो जाती है, और अगर आप ऐसे शुगर वाले चीज़ें खाओगे तो और ज़्यादा लड़ने की शक्ति कम हो सकती है। तो इसीलिए आपका जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो लंबे समय के लिए रहेगा, बहुत टाइम लेके वो सही होगा और बार बार होने के चांसेस भी रहते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है और आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर चेक कराएं। तो ये था छोटा सा वीडियो रेकरेंट फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। बहुत लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर हर रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।